हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक मेंटल मैथ का है। इससे पहले भी मैंने मेंटल मैथ के 2 वीडियो शेयर किए हैं, जो कि इस बुक में से नंबर्स और एडिशन, ये जो लेसन है, ये दोनों हमने लिए हैं। इसके दोनों चैप्टर की वीडियो मैंने यहाँ पे पहले शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, वो आप ज़रूर देखना। तो ठीक है, आज हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सब्सट्रैक्शन में मेंटल मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारे जो है चैप्टर नंबर 3 सब्सट्रैक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे ऑप्शन चुनना है और वहाँ पे टिक करना है। पहला सवाल है, 900 - 700 इज इक्वल टू। यहाँ पे हंड्रेड्स वर्ड्स में दिए हैं और 9 और 7 नंबर में दिए हैं, तो हमें सिर्फ 9 और 7 की क्या करनी है, माइनस करनी, मतलब सब्सट्रैक्शन करना है। 9 - 7 इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 2 हो गया और हंड्रेड्स वैसे के वैसे लिखने हैं, तो फिर हमारा आंसर आ गया 200। यहाँ पे ऑप्शन में जहाँ पे 200 है वहाँ पे हमें टिक करना है, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट 200। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज 2500 लेस देन 4000। व्हाट इज 2500 लेस देन 4000, इन दोनों की अगर सब्सट्रैक्शन किया जाए तो कितने आते हैं, तो 4000 - 2500 तो कितने आएंगे, तो इसका आंसर आ गया 1500। इन दोनों का डिफरेंस है 4000 - 2500 = 1500। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3232 - 1 सबस्ट्रैक्ट 1 किया है, तो हमें सिर्फ 1 प्लेस का माइनस करना है। 2 - 1 कितने हो गया, 1 आ गया, और बाकी सब नंबर वैसे के वैसे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3231। यहाँ पे देखिए 3231 ये हमारा सही जवाब है। अगला है, 7651 - 1010। अच्छा, इसमें से 7651 में से 1010 हमें लेस करने हैं, तो 1010 अगर लेस किए तो इससे इसके लिए हम पहले 7651 में से 1000 माइनस करेंगे, तो 1000 माइनस किया तो कितना आएगा, 6651। और उसमें से 10 अगर माइनस किया हमने तो कितना आएगा, 6641। यहाँ पे हमारा आंसर है 6641। यहाँ पे देखिए कैसे किया मैंने, यहाँ पे देखिए 7651 वन्स प्लेस वन में वन वैसे के वैसे रह गया, 5 में से 1 गया, कितना गया, 4 आ गया, 6 में 6 वैसे के वैसे आ गया, और 7 में से 1 गया, 6 आ गए। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला है, 8752 - 0। अगर किसी भी नंबर में से 0 माइनस किया तो आंसर वैसे की वैसा आएगा, 8752। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 8752 वैसे की वैसा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन जल्दी याद आएगा। 100 < 425, 425 में से हमें 100 लेस करने हैं। 100 लेस करने है मतलब क्या करने हैं, यहाँ पे 100 प्लेस का जो 4 है उनमें से सिर्फ 1 लेस करना है, तो यहाँ पे 1 लेस किया तो कितना आएगा, 3, और 25 वैसे की वैसे, तो आंसर आ गया 325। यहाँ पे देखिए, 1 < 4-digit number इज, हमारा ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या है, 9999। ये 4-digit
ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से क्या करना है, वन लेस करना है, मतलब वन लेस, तो कितना आएगा इज इक्वल टू नाइन में से वन गया एट और ए थ्री नाइन वैसे के वैसे, तो आंसर कितना आ गया 9998। यहाँ पे है 10 less than 6921। यहाँ पे 6921 में से हमें 10 लेस करने हैं, तो यहाँ पे टेंस प्लेस वंस प्लेस, यहाँ पे टेंस प्लेस जो है टेंस प्लेस में से हमें वन लेस करना है, तो टेन प्लेस में क्या आता है, टू आता है, तो टू में से वन लेस किया तो कितना आएगा, यहाँ पे वन आएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा 6911। ठीक है, अगला सवाल है 1660 माइनस 60, अतः 1660 में से 60 माइनस किए तो आंसर कितना आएगा, टेंस प्लेस में से 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वंस प्लेस का 0, टेंस प्लेस का भी 0 आएगा और आगे की 16 वैसे की वैसे आएंगे, समझ में। अगला है द डिफरेंस बिटवीन 6699 एंड 1000 इज, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वंस प्लेस में 0 है, टेंस प्लेस में 0 है, 100 प्लेस में भी 0 है, सिर्फ 1000 प्लेस में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1000 प्लेस में 6 है, 6 माइनस 1 कितने हुए 5, और आगे के तीनों नंबर वैसे के वैसे 699। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट लिखना है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे देखिए 0 टेकन अवे फ्रॉम 7335 इज 7335, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आता है, यहाँ पे ये हो गया ट्रू। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट इट सक्सेसर, किसी भी नंबर में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया तो वो वी गेट सक्सेसर हो गया, तो ये ट्रू आएगा फॉल्स, फॉल्स आ गया। अगर नंबर वन नंबर अगर हमने माइनस किया तो वो प्रीडेसर होगा, किसी भी नंबर में से 1 नंबर माइनस किया वो प्रीडेसर हो गया, हूँ तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। सक्सेसर कब आता है, जब 1 नंबर हम ऐड करते हैं। अगला है ऑन सब्सट्रैक्टिंग 999 फ्रॉम 9999 वी गेट 9000, ये 9099 माइनस 9999 ये अगर माइनस किया तो आंसर 9000 आता है, ये ट्रू हो गया। यहाँ पे देखिए 3909 माइनस 9 इज इक्वल टू 3900, इसमें से 9 माइनस करने हैं, मतलब यहाँ 9 माइनस 9 0 आ गया, फिर यहाँ 0 वैसे कि वैसा 9 और 3 ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अगला है हमारा सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे सब नंबर में से 10 लेस करने हैं, यहाँ पे इन नंबर में से 100 लेस करने हैं और इन दोनों नंबर में से 1000 लेस करने हैं। यहाँ पे देखिए ये दो नंबर है 1591 लेस 10, यहाँ पे 10 माइनस करने हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यह जो टेंस प्लेस में 9 है उनमें से सिर्फ उसमें से सिर्फ 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, तो आंसर कितना आया हमारा 1581। वैसे ही नीचे का करना है, यहाँ पे 2 के जगह क्या आएगा 1 आएगा, तो आंसर आ गया 1916। यहाँ पे 100 लेस करना है, तो मतलब यहाँ जो 100 प्लेस है उसमें से 1 लेस करना है, ये तो आंसर कितना आएगा 5000 आएगा, 4 में से 1 लेस किया तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 66 वैसे की वैसे, मतलब आंसर आएगा हमारा 5366। ठीक है, वैसे ही नीचे का आएगा। अगला है यहाँ पे 1000 लेस करने है, मतलब 1000 प्लेस पे यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस 1 हुआ तो कितना आया 2 आया, तो आंसर आएगा 2000
58, ठीक है, नीचे का वैसे ही करना है. 6 माइनस 1 किया तो आंसर कितना आएगा, 5982. अगला है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है. हॉरिजेंटल टाइप में सब्सट्रैक्शन किया तो देखिए यहाँ पे 5 माइनस 5 0 आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा और 7 माइनस 4 3 आएगा. इस तरह से हम जल्दी जल्दी सब्सट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 609 माइनस 305, यहाँ पे भी इसी तरह से करना है. 9 माइनस 5 4 आता है, 0 0 0 वैसे, और 6 माइनस 3 3. इसी तरह से अगले सारे सब्ट्रैक्शन करने हैं. अगला जो टॉपिक है, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ बोथ द नंबर्स टू देयर नियरेस्ट टेंस. ये जो टॉपिक है, यहाँ पे एस्टिमेट आंसर हमें निकालना है. एस्टिमेट आंसर, ये जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे मैं नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 6 नंबर और 7 नंबर के जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े हैं. तो इस वीडियो का अगला पार्ट मैं इसके बाद शेयर करूँगी. इसका ही पार्ट 2 है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़ा सा डीप में देखेंगे. तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही क्वेश्चन लिए हैं. आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे. तो अगर इसके बारे में आपको कुछ डिफिकल्टीज या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में वही कमेंट्स वैसे दे सकते हैं. तो ये वीडियो पूरा देखिए और इसके बाद का जो वीडियो है वो मैं इसके बाद शेयर करूँगी. तो आप वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें ये जो टॉपिक है एस्टिमेट द डिफरेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. ठीक है, मतलब ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है. तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.